हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम एक ही पेंसिल से कैसे कैसे अलग तरह से शेडिंग कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में। वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल होने वाली है, और जो भी पोर्ट्रेट या पेंटिंग करना चाहता है उसके लिए तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, उससे हमें डार्क और लाइट का अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो मैंने ये बाइक की फ़ोटो सिलेक्ट की है और इसको जैसे ब्लैक एंड वाइट कर लिया है, और मैं हमेशा की तरह ही राइट आइज से शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, एक आई कंप्लीट हो चुकी है। अभी सेम प्रोसीजर है, दूसरी आई पे भी शुरू का हो गया काम। हमें हर एक चीज़ थोड़ा जूम करके देखनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ मिसिंग ना रह जाए, और जो बिगिनर्स हैं वो पहले बिल्कुल धीरे धीरे करें। तो दोस्तों, अभी आँख कंप्लीट होने के बाद मैंने नोज़ पे काम शुरू किया है। नोज़ पे देखो, ज़्यादा डार्क आउटलाइन नहीं करनी होती, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ ज़्यादा शेडिंग है, वहाँ उस हिसाब से शेडिंग के हिसाब से हमें डार्कनेस देनी होती है। तो दोस्तों, अभी मैंने लिप्स के बाद अभी मूछों में काम शुरू किया है। तो अभी पहले नीचे डार्क हल्की हल्की शेडिंग दी है,
ताकि डेप्थ नज़र आए, और उसके बाद एक एक स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने दाढ़ी लगभग कंप्लीट कर दी है, बिल्कुल एक एक स्ट्रोक्स के चलना पड़ता है, और नीचे दाढ़ी के नीचे जो शेडिंग, जो हमारी जो परछाई आ जाती है, उसको भी मैं धीरे धीरे शेड कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैंने अभी गर्दन के बाद ईयर जो कि हल्का सा ही दिख रहा था, उसके बाद मैंने हेयर्स पे काम शुरू कर दिया है। हेयर्स पे भी सेम प्रोसीजर है, नीचे पहले हमें शेडिंग करनी है, उसके बाद एक एक स्ट्रोक लगाना होगा ताकि वो अलग से उभर के आए। तो दोस्तों पोर्ट्रेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी हमने ग्रिड यूज़ की थी, जितने भी बाहर जो दिख रही थी, उनको हमें रब कर लेना चाहिए ताकि वो अलग से ना दिखें। फेस पे भी जो आ जाती हैं या फिर फेस पे बाहर जो आ जाती हैं, उनको अलग से साफ़ कर लेना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा दाग वगैरह लग जाते हैं हमें, वो अलग से नहीं तो पॉइंट आउट होते हैं। तो तो
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और किसी भी भाई को अगर अलग अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।